नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गार्डन की अपडेट देने जा रहा हूं, संडे अपडेट गार्डन ओवरव्यू। तो मेरे प्लांट दिखाऊंगा और कैसे चल रहे मेरे प्लांट और बारिश में मैंने क्या क्या काम किया है मानसून का गार्डन में, वो भी आपको बताता जाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये पर्चुलेन और पर्चुला का शुरुआत करते हैं। ये देखिए वाइट वाला में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और जो मैंने नई कटिंग लगाई है उसमें देखिए ग्रोथ भी और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कटिंग एक बार फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाती है फ्लावरिंग, तो उसको हटा देना चाहिए और नई कटिंग लगानी चाहिए। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। यहाँ पे मेरा मिनिएचर वाला हिबिस्कस है, ये देखिए बहुत प्यारा सा फ्लावर आया हुआ है। इस तरफ अडेनियम के सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट पड़े हैं, तो देखिए ये रहे, काफ़ी सारे पीछे तरफ है। ये सब लगभग 5-6 महीने के है और काफ़ी सारी कटिंग भी है इसमें, 2-3 कितने भी मैंने दे दिए कितने सारे प्लांट। और यहाँ पे देखिए ये कटिंग मैंने लगाई थी 20-25 दिन हुआ है। देखिए इसमें भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यहाँ पे एक्सोरा है पिंक वाला, और इधर ये कटिंग थोड़ी सी है वो यहाँ पे लगाई है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं कटिंग लगा देता हूँ। ये पुराने हैं तो इसको भी हटा के कटिंग नहीं लगानी है। यहाँ पे भी पुराने हैं, ये देखिए यहाँ पे ये मैक्सिकन पिटोनिया देसी वाला है, तो काफ़ी सारे लोगों ने गांव में देखा होगा। यहाँ पे चंपा है, इसमें अब ग्रोथ अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग होके एक बार ख़त्म हो गई, अब बारिश में फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी। पीछे की तरफ ये पत्थर चट्टा के प्लांट रखे, पत्थर चट्टा के प्लांट काफ़ी बड़े हो गए। और ये देसी वाला हिबिस्कस है, यहाँ पे एलोवेरा और साथ में अजवाइन है, बहुत सारी कटिंग मैंने लगा के रखी है एक में। और एलोवेरा के जो छोटे छोटे बेबी प्लांट थे वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये मेरे बोगनविलिया में देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, देखिए ये पुराने मटके में लगा हुआ बोगनविलिया है, और इसमें ग्रोथ भी देख सकते हो और फ्लावरिंग भी। आज येलो कनेर में फ्लावर आया है, वैसे हर रोज़ एक फ्लावर आता रहता है। अब जैसे बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बस एक ही दिन आई थी 10-15 मिनट, और उसके बाद बारिश नहीं हुई है। तो जब बारिश हो जाएगी अच्छे से तो सारे प्लांट हेल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे ऑरेंज करने है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। ये अलमंडा वाइन है, ये भी इसकी भी ग्रोथ देखिए आप। अलमंडा वाइन पूरी ऊपर तक गई है और इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। और ये तरफ इस तरफ मेरे अडेनियम रखे हुए हैं, और देखिए जैसे बारिश स्टार्ट हुई इनका कॉडेक्स थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, तो ये मिट्टी यहाँ से थोड़ी फूलने लगी है। तो बारिश का पानी मिलते ही प्लांट हमारे चलने लगते हैं। तो इस तरफ ये देखिए ये सब मेरे अडेनियम है जो मैंने सीड से ग्रो किए थे। फ्लावरिंग भी एक बार हुई थी इसमें फरवरी में, और उसके बाद मैंने प्रून कर दिया सबको। और ये कनेर पिंक वाली देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। मैं इसकी प्रूनिंग करने का सोच रहा था, पर अब लेने दूंगा थोड़े टाइम, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए मैंने साइप्रस वाइन जो गणेश बेल जिसको बोलते हैं इसकी सीड डाली थी, तो ये निकल के आए हैं, ये देखिए।
यहाँ पे कॉप्सकॉम भी निकल के आए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये, और ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया जो लंबा वाला होता है वो, इसमें मैं कटिंग लेके आया था, लगाई थी, इसमें देखिए अब बर्ड्स बनने लगी है, तो थोड़े टाइम में फ्लावरिंग भी होगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। इस तरफ मेरे सारे एडेनियम रखे हुए, ये देखिए इस तरह से है। मेरे पास एडेनियम के काफ़ी सारे प्लांट हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए, बंच में मैंने एक साथ लगाए थे एडेनियम की कटिंग, तो ये सारी कटिंग देखिए चल रही है। और यहाँ पे और एडेनियम है जो मैंने एक दो महीने पहले ग्रो किए थे, यहाँ पे पत्थर चिट्टा बड़ी पत्तियों वाला, और इस तरफ अगेव रखे हुए सारे, मुझे अगेव बहुत ही पसंद है, देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं। ये मदर ऑफ थाउजेंड, मेरे पास मदर ऑफ थाउजेंड की तीन वैरायटी है, ये देखिए, और ये तीसरी कॉफी प्लांट, ये कनेर जो मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लेके आया था, तो इसमें भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यही बिस्कस एक लेके आया था डबल पेटल का, एक और ये कनेर है, यहाँ बड़े लेंथस है, इसके साथ मैंने एलोवेरा लगाया था, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये डबल पेटल हिबिस्कस, इसमें भी देखिए कलियाँ आ रही, कोई कोई अब बारिश हुई है तो अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस तरफ मेरे सारे पेंडानंस है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि बरगद का पेड़ रखा है मैंने बॉन्साई बनाने के लिए, और काफ़ी सारे प्लांट इस तरफ कोड़े में भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से मेरा गार्डन चल रहा है, और मैंने जो काम किया वो आपके साथ शेयर किया। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।